गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये 3 है, ये 6 है और ये 12 है। ओके, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई 3 इंटू में 6 इंटू में 3 या फिर 2 इंटू में 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू में 6 इंटू में 6। तो ये एक 6 बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बाहर। अगर यही लॉजिक मेरा वर्क करता है, किस में वर्क करता है मेरा, लास्ट वाले में, इन में, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुझे लॉजिक मिल जाएगा इसका। 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 2 इंटू में 25, मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 25 यानी 50 इंटू में 20। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 1000, और 1000 का क्या आ जाएगा, ये 10 बाहर आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। 2 इंटू में 4 यानी 8, और इंटू में 8 64, क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। मेरा आंसर तो 8 है, आपके पास क्या और कोई लॉजिक है जिस लॉजिक से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ अगली सुबह 7 बजे। बाय बाय।